जस्ट बिलीव इन कर्मा। अपनी ज़िंदगी में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो कल का दिन आपके सभी कष्ट और तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। और नाटक नहीं, कल छुट्टी है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। सच में अगर आप करना चाहते हैं तो 100 तरीके हैं करने के, और नहीं करना चाहते तो लाख बहाने हैं एक्सक्यूज़ेस हैं ना करने के। कल पितरों की विदाई अच्छे से करें। अगर आप खीर पूरी हलवा नहीं बना सकते तो आप कुछ भी आटा चीनी दाल सब्जी कुछ भी लेके उसका दान कर सकते हैं, यम का दान है। कल चारमुखी दिया यमराज का आपको पितरों का दक्षिण की तरफ ज़रूर जलाना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, कल आपको शाम के टाइम अपने घर की चौखट धोकर उसमें सुगंधित अगरबत्ती 9 लगानी है, उसके साथ वहाँ पर गाय के घी के 2 दिए लगाने हैं, थोड़ी सी रंगोली बनानी है ओए हुए, और आपको आम के पत्तों का बंदरबार लगाना है। ये लगाना ज़रूरी है, अगर आपने ये नहीं किया तो कोई चीज़ रह जाएगी, क्योंकि माँ का स्वागत करना और माँ सुबह सुबह आ रही हैं। साथ में कल ग्रहण है, लेकिन ये ग्रहण भारत में नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण होने जा रहा है, जो कि 12 साल बाद पड़ रहा है इतना बड़ा ग्रहण। तो इसका असर आपकी मेरी जीवन पर और हमारी राशियों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम पूजा ना करें, कलश स्थापना ना करें, इसकी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलश स्थापना का सबसे खूबसूरत मुहूर्त सुबह का ही समय है। सुबह सुबह कलश स्थापना कर दीजिए, वही हुए फिर देखिए जीवन में कैसे बाहर आती है और जीवन कितना खूबसूरत होता है। तो कल दान पुण्य खुलकर करें, और जिस तरह से जिस तरीके से मैंने आपको अपनी चौखट साफ करना बताया, रंगोली बनाना बताया, आम के पत्ते लगाना बताया, वो माँ के स्वागत में ज़रूर करिएगा, आपको इससे ग्रहण से भी बचाव हो जाएगा। सूरज को कल जल ज़रूर देना है। कल आपको बाल बांध कर माँ की पूजा करनी है, और सबसे बड़ी बात नारियल अर्पण हर किसी को करना है, चाहे वो नवरात्र करता है चाहे वो नवरात्र नहीं करता, ताकि सूर्य का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके ऊपर ना पड़े। जस्ट बिलीव इन कर्मा। ओए होए।